हेलो गाइस, मेरा नाम है सलोनी और आज मैं व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मुझे व्लॉग बनाना अच्छा लगता है, बट मुझे शर्म भी आती है। बट हम आज बना ही लेंगे व्लॉग। और आज व्लॉग बनाएंगे किसका, मतलब आज क्या बनने वाला है व्लॉग में? व्लॉग में आज बनने वाला है रवा इडली, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम बनाने वाले हैं रवा इडली, तो मैंने सोचा कि व्लॉग बना ले। तो चलो, सो अभी अभी मैं उठी हूँ सोकर, तो पहले मैं फ्रेश हो जाती हूँ किचन में जाने से पहले, फिर बनाते हैं रवा इडली कैसे बनती है। मैं भी ट्यूटोरियल देख देख कर ही बनाने वाली हूँ, मुझे आती नहीं है पर मेरा मन हो रहा है आज खाने के लिए। अरे हो तो व्लॉग भी बना लूं कि क्या होता है, रवा इडली ठीक से बनती भी है या नहीं और मुझे खाने मिलती भी है या नहीं। तो चलो फटाफट से फ्रेश हो जाती हूँ मैं, और फ्रेश होकर आपको किचन में मिलती हूँ। चलो बाय। सो किचन में तो मैं आ गई हूँ, तो पहले सारी जो भी इंग्रेडिएंट्स है उसको हम एक जगह पर रखते हैं। सॉरी, किचन में मैं आ गई हूँ, तो जो भी सारे हमको इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो सारे हम एक जगह पर रखते हैं, देन हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट रवा इडली के लिए चाहिए हमको रवा। तो ये रहा रवा, ठीक। सो यहाँ पर मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं। ये रहा रवा, इसमें है उड़द की दाल, चने की दाल और काजू। ये अदरक है, मिर्ची, अरे कड़ी पत्ता। ओके, चलो बनाते हैं। तो अबे आपने शू कर दो, तो पहले हम डालेंगे तो चुप के मुझे राई राई डाल राई। राई नहीं तो हमें अब डालेंगे कड़ी पत्ता। अब डालेंगे मिर्ची। और तो अब हम डालेंगे रवा। सो इडली अब इसको स्लो आंच न हो गया भैया, या स्लो गैस पर। हाँ, स्लो गैस पर अब हम इसको स्लो गैस पर थोड़ी देर चलाएंगे जब तक ये सूजी थोड़ी फूल ना जाए, और बस उतना ही काम। अरे थोड़ा नमक भी डालना है, नमक भूल गए हम, थोड़ा डाल दो अपने हिसाब से।
अभी इसको बनने में और टाइम लगेगा, अभी ये अभी नहीं बन जाएगा, अभी इसको टाइम लगेगा, अभी इसको ऐसे फुलाना है, उसके बाद हम इसमें डालेंगे दही, दही डालेंगे और फिर एक घंटे के लिए छोड़ देंगे, छोड़ देंगे, उसको बोलेंगे जा जाके घूम के आना है, आ जाओ। तो अब हम इसमें डालेंगे दही, कितनो ना खोला, तीन चार चम्मच तो ना के दो, चार चम्मच दही डालेंगे अपने हिसाब से। पहले तीन डालते हैं, फिर इसको मिक्स करते हैं। इसको मिक्स किया हमने, इसमें तो कितनी इडलियां बनेगी, बहुत कम बनेगी, पर हम ड्राई कर रहे हैं ना। अब इसमें डालेंगे पानी, थोड़ा पानी आ जाओ ना, 20 मिनट छोड़ना है। हमारे को शेफ बोल रहे थोड़ा पानी और डालें, अगर 1-1.5 घंटा छोड़ा ना तो दही की वजह से अपने आप खमीर हो जाएगा, और अगर 20 मिनट छोड़ा तो फिर उसके अंदर बाद में थोड़ा, अब इसको हम छोड़ देंगे 1 घंटे के लिए। ये ढक है, ओ ये ढक सुना कर मैं एकदम मस्त रेडी हो गई हूँ। सो अब हम चलते हैं इडली बनाने, क्योंकि 1 घंटा तो हो गया है। चलो, सो मैं यहाँ किचन में भी आ गई और देखते हैं हमारा बैटर कैसा बना रहा है। हाँ, ये बैटर कुछ ऐसा दिख रहा है, इसको अब थोड़ा हम इसकी कंसिस्टेंसी भी ओके है। अब इसमें हम डालेंगे फ्रूट सोडा, नहीं फ्रूट सॉल्ट, इनो मतलब इन शॉर्टली। पहले हम और एक साइड मैंने स्टीम होने के लिए पानी भी रख दिया है इडली के स्टीमर में। सो पहले हम सारे प्लेट्स को ऑयलिंग कर देते हैं। ओके, हमारे पास 3 प्लेट है, हम 2 प्लेट में पहले बनाएंगे, तीसरे में नहीं। ओके, और हाँ एक चीज तो मुझे धनिया डालना है, कितना बहुत है, ये रहा हमारा बैटर, इसमें डालेंगे धनिया, थोड़ा सा फ्रूट सॉल्ट कहा गया हमारा, इतना हुआ था, ये डालेंगे, और हाँ थोड़ी सी हींग, हींग डालेंगे, हींग इसको फटाफट मिक्स कर लेंगे। पानी भी स्टीम हो गया है, हाँ अयो ये लीक हो रहा है, इसको ऐसे साथ में रखेंगे, दूसरा बेस पे, और ओहो बहुत गंद पा रही हूँ इसको। इस
डन हो गया ये स्टीमर हो गया, इसको हम डालेंगे इसमें। ओके ये रख दिया, फिर उसको ढक देंगे। अब इसको फास्ट कर लेंगे और 3 मिनट हमको वेट करना है, तब तक हम ये सब पोंछ देते हैं। ओके मैं बाहर जाके थोड़ी हवा खा लेती हूँ, बहुत गर्मी लग रही है। तो 3 मिनट हो गए, अब हम देखते हैं कि इडली कैसी बनी है। यार पहले वो वीक लगी थी, दिख तो रहा है बनी हुई, अभी तक नहीं बना है गाइस, अभी थोड़ा और स्टीम होना बाकी है। रुक नहीं है ना रे वाले, ओए अरे तो बोल ही नहीं तू। तो गाइस हमारी इडली हो चुकी है, इडली के साथ साथ और भी कुछ फूला हुआ है। अब समिति यहाँ टेस्ट करेगा। घर पे बना हुआ रवा इडली इतना मस्त कभी नहीं खा सकते यार, जितना मेरे से रोटी बनाया। पर मैं तो पहली बार बनाया हूँ जे सारे थे हुकमा जेवो नहीं लागतो। नहीं आओ तुम खाओ, मतलब ये उपमा जैसा नहीं लग रहा है, इसको उपमा अच्छा नहीं लगता है। हाँ मैं खाओ चुप, तू खा एक बाइट लो। हाँ सेकंड स्लॉट भी बन गया है यहाँ, तो इसको हम निकाल लेते हैं। अब मैं भी खा लेती हूँ, मैं आवाज बैकग्राउंड का तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ऐसे वीडियो और ऐसे लगते हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब। बाय बाय, अब मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। बाय बाय।